हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की क्लास। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी क्लास लगभग एक हफ्ता 10 दिन के लिए ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, तो हम बिल्कुल सिस्टम वही रखेंगे जो सिस्टम हमारा पुराना था। आपको क्लास वर्क होमवर्क वैसे ही अपनी कॉपीज़ बनानी है, बस आपके लेक्चर ऑनलाइन आएंगे बच्चों। रोज़ आप लोगों का लगभग 10 बजे से 11 बजे तक मॉर्निंग में वीडियोस के सेक्शन में, जो लाइफाई लर्निंग के अंदर आपके पास में वीडियोस का सेक्शन है, वहाँ आपका लेक्चर अपडेट हो जाएगा। आप अपने लेक्चर को प्रॉपरली देख लें। ऑफिस से आपके पास में कॉल आएगी, उस कॉल में आप लोगों को अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। वीडियो कॉल आएगी आपके होमवर्क कॉपी चेक करने के लिए, तो आपको अपना होमवर्क जो डेली बेसिस पर आपको दिया जाएगा वो पूरी तरीके से कम्प्लीट रखना है बच्चों, ठीक है। अब जितना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ उसी के आगे से मैं कॉन्टिन्यू कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस भी कर ली थी, ठीक है। अब जो सवाल बचे हुए हैं उन्हें हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाकी आगे का टॉपिक हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं कि पहले कौन सी प्रॉब्लम हमारे पास में बची हुई है। भाई ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है बेटा, ये प्रॉब्लम भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, ओके। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कहाँ जाकर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल फेल हो जाता है, बड़े लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज काम क्यों नहीं करता है, ये कंसेप्ट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चों, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ओके, ये प्रॉब्लम भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से दो बॉडीज़ को रबिंग कराने पर एक बॉडी पर आता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी पर आता है नेगेटिव चार्ज। जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका वर्क फंक्शन कम होगा, और जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, और पूरा क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने आपको समझाया था बेटा, ठीक है। ओके, सो देखिए ये प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है। वैसे तो ये प्रॉब्लम बेटा NCERT की ही है, और याद करिए कि मैंने आपको क्वार्क सिस्टम सिखाया था, क्वार्क सिस्टम, और वहाँ मैंने आपको बताया था कि भैया क्वार्क जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक क्वार्क को हम लोग बोलते हैं अप क्वार्क, एक क्वार्क को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट अप क्वार्क, और इस अप क्वार्क के ऊपर जो चार्ज रहता है वो इतना है +2/3 × E, और इस क्वार्क लेवल पर क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आकर फेल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्मॉल ई के जो सामने नंबर लिखा हुआ है 2/3, वो एक इंटीजर होना चाहिए, लेकिन 2/3 तो एक इंटीजर नहीं है, वो तो एक डेसिमल और फ्रैक्शन का नंबर है, इसीलिए क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ काम नहीं करेगा। एक होती है हमारे पास में डाउन क्वार्क के ऊपर होता है इतना चार्ज -1/3 × E। हमने आपको बताया था कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर मिलने वाली कुछ एलिमेंट्री लेयर हैं, और इस लेवल पर पहुंचकर जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट है या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल है वो बेटा फेल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, याद करिए आप लोग, लगभग थर्ड लेक्चर में हमने इसकी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन मिलकर बना होता है 3 क्वार्क से, जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 क्वार्क की फॉर्मेशन से बना है, और वो 3 क्वार्क्स हैं बेटा आपके सामने डाउन। इलेक्ट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है, और उन 3 क्वार्क की फॉर्मेशन है आपके पास में D D D, ओके। उसके बाद प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, ये बात भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और उनकी फॉर्मेशन है हमारे पास में UUD। फाइनली लास्ट में जो न्यूट्रॉन अपने पास में होता है बेटा, ये भी 3 क्वार्क से मिलकर बना है, और इसकी फॉर्मेशन होती है UDD। तो प्रॉब्लम भले ही इतनी बड़ी हो, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर कोई नई बात आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं पूछी गई है। आपको इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर दो बातें तो क्वेश्चन के अंदर ही बताई गई हैं, कि एक होती है अप क्वार्क जिसके ऊपर होता है इतना चार्ज, और एक होती है डाउन क्वार्क जिसके ऊपर होता है इतना चार्ज। आई थिंक आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरीके से हम कंसेप्ट लगाएंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है, और उनकी फॉर्मेशन है हमारे पास में डी डी डी।
प्रोटॉन तीन क्वार्क से मिलकर बना है वो है यूयूडी, न्यूट्रॉन तीन क्वार्क से मिलकर बना है और उनकी फॉर्मेशन है अपने पास में यूडीडी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये जो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया हो और कोई भी परेशानी आप लोगों को इस कंसेप्ट के अंदर ना हो बेटा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है अपने पास में। ये क्वेश्चन भी मैं आपको क्लास क्लास में बता चुका हूँ, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है बेटा, आप जानते हैं, और ये होमवर्क आपका डेली बेसिस पर चेक होगा। अब तो आप अपना काम पूरी तरीके से कंप्लीट रखें, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, जब कॉल आपके पास में आएगी तो उस अपने डाउट को आप क्लियर करें कि भाई ये हमारे पास में डाउट है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारे पास में बच रहा है बेटा एक लास्ट क्वेश्चन, और सही मायने में देखें तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास में। इसके दो तीन, इसके जैसे दो तीन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे बेटा, इसके जैसी तीन चार प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं बेटा। प्रॉब्लम ये है, इफ़ 10^9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन अदर बॉडी। यानी आप ये समझिए कि एक बॉडी है बेटा हमारे पास में, ओके, और यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 10^9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। समझ आ रही बात आप लोगों को? यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ जा रहे हैं इस बॉडी से। मैं इस बॉडी को नाम दे देता हूँ बॉडी ए, और मैंने इस बॉडी को नाम दे दिया है बॉडी बी। बॉडी ए के अंदर से इतने इलेक्ट्रॉन निकल कर बॉडी बी पर जा रहे हैं। अगर बॉडी ए के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर बॉडी ए के अंदर से नेगेटिव चार्ज निकल रहा है तो बॉडी ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये चार्ज यहाँ से निकल कर, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर बॉडी बी पर जा रहे हैं तो बॉडी बी पर आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो उसने ये कहा एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, बताइए कितने टाइम के बाद में, इन हाउ मच टाइम बॉडी गेट्स 1 कूलम्ब चार्ज, कितने टाइम के बाद में बॉडी के ऊपर 1 कूलम्ब का चार्ज आएगा। अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम आसान भी है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, बस हमारी बात को फॉलो करके चलिएगा और ध्यान से सुन के चलिएगा। मुझे एक बात बताइए बेटा आप, एक सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 1 सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, समझ में आ रही बात? मैंने माना कि टी टाइम में यहाँ इतना चार्ज आ जाएगा या यहाँ इतना चार्ज आ जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड में तो निकल रहे हैं इतने इलेक्ट्रॉन, तो टी सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, टी सेकेंड में निकलेंगे बेटा इतने इलेक्ट्रॉन। ये है इसका मेन कंसेप्ट और ये है समझने वाली बात। एक सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर से बाहर निकल रहे हैं, अगर 1 सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, ध्यान से हमारी बात को सुनिए बेटा, अगर 1 सेकेंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो टी सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब आप ये देखिए, जो हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट है वो ये है, क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये हमारे पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट है बेटा। चार्ज की वैल्यू हमें पता है कि चार्ज आना है यहाँ पर 1, कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकले हैं, एक सेकेंड में इतने बाहर निकले हैं, टी सेकेंड के बाद में इतना कूलम चार्ज आ जाएगा, तो कुल मिलाकर टी सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, यानी N की जगह हम पुट करेंगे 10^9 इंटू टी, और ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है बेटा ये रख दिया हमने यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें निकालनी है टाइम की वैल्यू। देखो हम कैसे निकालेंगे टाइम की वैल्यू। टाइम बनेगा हमारे पास में 10^9 को इधर लेकर जाएंगे 10^-9, ई को लेकर जाएंगे इसके अपॉन में, तो ये बन जाएगा अपने पास में 1/E। बात समझ में आ रही है? अब आप देखिए टी इज इक्वल टू 10^-9 और 1/E को हम लिख सकते हैं बेटा 6.25 इंटू 10^18। ये 1/E को हम लिख सकते हैं,
वन अपॉन ई की वैल्यू हमारे पास में इतनी होती है बच्चों, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यानी हम ये कहेंगे कि इतने टाइम में 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, ये प्लस 18 है, ये माइनस के 9 है, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में 9। इतने सेकेंड तक अगर इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते रहें, इतने सेकेंड तक अगर बॉडी के अंदर से इतने इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड बाहर निकलते रहें, तो इतने सेकेंड के बाद में बॉडी के ऊपर 1 कूलम का चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटा। तो ये तो इस तरीके की क्वेश्चन का एक छोटा सा टाइप है। एक दो प्रॉब्लम में और इसके ऊपर डिस्कस करूंगा तो आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसे नोट डाउन करिए, देन हम आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नोट करिए पूरा। क्वेश्चन नोट करने के बाद में पूरा आंसर आप नोट करिए सही तरीके से, तब आपका आंसर बनेगा यहाँ पर। ओके चलिए, तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, बिल्कुल इसके जैसा ही एक और सवाल हम पढ़ेंगे। आप नोट पॉइंट बनाकर अपनी कॉपी में लिखेंगे बच्चों, नोट पॉइंट बनाकर आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये बॉडी दे रखी है, ये बॉडी अभी न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल आप समझते हैं भाई, न्यूट्रल का मतलब यह है कि इस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, ये बॉडी पूरी तरीके से न्यूट्रल है। इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं बॉडी के अंदर से, और इलेक्ट्रॉन्स के जो बाहर निकलने का रेट है वो ये है, 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने टाइम के बाद बॉडी के ऊपर प्लस 2 माइक्रो कूलम का चार्ज आएगा, कितने टाइम के बाद में बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आएगा, इन हाउ मच टाइम बॉडी एक्वायर प्लस 2 माइक्रो कूलम चार्ज, कितने टाइम के बाद में बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आने वाला है, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए बेटा, बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अगर बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी के अंदर से बाहर निकलेगा तो बॉडी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, अगर बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, समझ में आ रही बात, और पॉजिटिव चार्ज आएगा इतना। अब आप देखिए, एक सेकेंड में 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। एक सेकंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं वह है 10 की पावर 12। अगर एक सेकंड में 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकलेंगे बेटा, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, टी सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, n इज इक्वल टू 10 की पावर 12 इंटू टी। एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, टी सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, यानी कुल मिलाकर बॉडी के अंदर से इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो चार्ज का फॉर्मूला है बेटा वो ये है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। देखो क्यू हमें दे रखा है ये 2 माइक्रो कूलम्ब, टू ये माइक्रो बोलते हैं इसे, माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6। एन की वैल्यू हमें दे रखी है 10 की पावर 12 इंटू टी, साथ में है स्मॉल ई की वैल्यू। उम्मीद है कि बेटा आपको समझ आ रही होगी बात। मुझे यहाँ से निकालनी है टाइम की वैल्यू। देखो अब टाइम कैसे निकालेंगे यहाँ से, टी इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर -6, 12 इधर आएगा तो बन जाएगा 10 की पावर -12, ई इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1/e। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। टी इज इक्वल टू 2 × 10 की पावर -18, 1/e को हमने लिख दिया है 6.25 × 10 की पावर +18। आप जानते हैं कि 1/e को हम लिख सकते हैं 6.25 × 10 की पावर 18। अब यह है 10 की पावर -18 और यह है 10 की पावर +18। 10 की पावर -18 से 10 की पावर +18 कैंसिल आउट। 6.25 की मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो हमारे पास में निकल कर आएगा 12.5 सेकेंड। यानी इतने टाइम में 12.5 सेकेंड में इतने टाइम में बॉडी के ऊपर 2 माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाएगा।
अगर बॉडी के अंदर से इतने ही इलेक्ट्रॉन हर सेकंड बाहर निकलते रहे, अगर बॉडी के अंदर से हर सेकंड इतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते रहे तो इतने टाइम के बाद में बॉडी के ऊपर 2 माइक्रो कूलम का चार्ज आ जाएगा बेटा। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो आप जल्दी से नोट करिए, एक और प्रॉब्लम मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बात करेंगे बेटा। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया हो और कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। देखिए स्टूडेंट, अब आते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। बिल्कुल यही क्वेश्चन की हम तीसरी प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, मतलब जैसा क्वेश्चन मैंने पिछली दो प्रॉब्लम में आपको बताया, बिल्कुल इसी क्वेश्चन के ऊपर हम थर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में, ये बॉडी हमें दे रखी है, ये बॉडी अभी पूरी तरीके से न्यूट्रल है भैया, ये बॉडी अभी पूरी तरीके से न्यूट्रल है। आप जानते हैं न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि इसके ऊपर अभी जीरो चार्ज है। देखो बाहर से इस बार अल्फा पार्टिकल चल के आ रहे हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल, और इतने अल्फा पार्टिकल चल के आ रहे हैं, 10^5 अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि इन हाउ मच टाइम बॉडी एक्वायर +1 कूलम चार्ज। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो इस बार बॉडी न्यूट्रल है और न्यूट्रल बॉडी पर बाहर से पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, मान लो कि ये मार्कर अभी न्यूट्रल है, अगर बाहर से कोई अल्फा पार्टिकल आता है, अल्फा पार्टिकल पर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना होता है, एक अल्फा पार्टिकल पर 2e चार्ज होता है बेटा, 2e, ध्यान रखिएगा, एक अल्फा पार्टिकल पर 2e चार्ज होता है। अगर बाहर से पॉजिटिव चार्ज आकर इस मार्कर के ऊपर बैठ जाएगा तो मार्कर के ऊपर भी तो पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। तो उसने यही कहा है कि अगर बाहर से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं तो कितने टाइम के बाद में इतना चार्ज आएगा। तो हम बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे भैया 1 सेकंड में सॉरी 1 सेकंड में इतने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, 1 सेकंड में इतने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, 10^5 अल्फा पार्टिकल 1 सेकंड में आ रहे हैं। अगर 1 सेकंड में इतने अल्फा पार्टिकल आएंगे तो टी सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल आएंगे? भाई 1 सेकंड में इतने अल्फा पार्टिकल आए तो टी सेकंड का मतलब है टोटल अल्फा पार्टिकल कितने आए? टोटल अल्फा पार्टिकल आए 10^5 × t। बस यही है समझने वाली बात, 1 सेकंड में इतने अल्फा पार्टिकल तो टोटल अल्फा पार्टिकल हो गया इतना। अब आप देखो बेटा, वैसे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = ne, लेकिन यहाँ ne नहीं रखेंगे। यहाँ ne इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि जो बाहर से पार्टिकल चल के आ रहा है उसके एक पार्टिकल पर इतना चार्ज होता है बेटा, इतना चार्ज होता है। यहाँ फॉर्मूला रखा जाएगा ये Q = n × 2e n का मतलब हो गया है टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और एक अल्फा पार्टिकल पर होता है 2e चार्ज। देखो अब तक क्या तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे थे, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख रहे थे स्मॉल e, क्या प्रोटोन बाहर से आ रहे थे तो हम वहां प्रोटॉन का चार्ज रख रहे थे स्मॉल ई, लेकिन इस बार अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e। आइए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए जब हम चार्ज की जगह रखेंगे 1 कूलम, एन की जगह रखेंगे 10^5 × t, साथ में है 2e, हमें निकालना है टाइम। 10^5 इधर जाएगा -5, 1/2 और साथ में है 1/e। देखो बेटा कैसे लिख सकते हैं, अब आप देखो 10^-5, 1/2 को हम लिखेंगे 0.5 और 1/e को हम लिखेंगे 6.25 × 10^18। सो टी इज इक्वल टू, जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 3.125 × 10^13 सेकेंड। लो भैया, अगर इतने अल्फा पार्टिकल हर सेकेंड आते हैं तो इतने टाइम के बाद में बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आ जाएगा। बस आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का लास्ट क्वेश्चन था, इससे ऊपर लेवल का क्वांटाइजेशन पर कोई भी सवाल नहीं आ सकता है। जितने भी चार्ज के ऊपर सवाल बन सकते थे वो सब के सब मैंने आप लोगों को करा दिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो अपने प्रीवियस लेक्चर को आप बेटा देख लें, आपकी वो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी।
फिर भी आपको समस्या है तो आप मुझे कॉल करके, या जब मैं आपको कॉल करूंगा तो उस कॉल के दौरान हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, या आप इंडिविजुअली इंस्टीट्यूट पर आकर भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है वो फिनिश हो जाता है। हमने पूरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया, जैसे जैसे क्वेश्चन उसके ऊपर बन सकते थे हमने उन सभी क्वेश्चंस की बात अच्छे तरीके से कर ली। तो इसी के साथ चार्ज की हमने एक प्रॉपर्टी फिनिश कर दी है बेटा। अब हम चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लिखेंगे चार्ज की अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारी चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी। भैया चार्ज की हमारी पहली प्रॉपर्टी तो हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज की हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी है, लिखिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज attract to each other, like charge repel to each other, and unlike charge attract to each other। यह है बेटा हमारी चार्ज की सेकेंड प्रॉपर्टी। लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ में जाकर। आगे चलकर एक टॉपिक हमारे सामने आएगा कूलम्स लॉ, वहाँ इस प्रॉपर्टी को हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत धमाके के साथ डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से। तो अभी इस प्रॉपर्टी को यही रहने दीजिए, इसके आगे हम इस प्रॉपर्टी में नहीं जाएंगे। अब लिखेंगे आप थर्ड प्रॉपर्टी हम समझेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा आप लोगों की एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। यह है बेटा हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम इसके अंदर लिखेंगे, देखो अब जो चार्ज होता है ना बेटा वो होता है एक स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है जो एल्जेब्रिक सम को सेटिस्फाई करता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चाहो तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट सक्सेसफुली वेरीफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रिक सम। जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वो एल्जेब्रिक सम के कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली वेरीफाई करता है। अब एल्जेब्रिक सम का कॉन्सेप्ट क्या है? अब एल्जेब्रिक सम का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो आप लोगों को कहीं ये सिस्टम दे रखा है और इसके अंदर बहुत सारे चार्ज रखे हैं, एक चार्ज प्लस Q1 है, एक चार्ज प्लस Q2 है, एक माइनस के Q3 है, एक माइनस के Q4 है, एक Q5 है, मान लो इतने सारे चार्ज आपके पास में है। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का मतलब है कि जब चार्ज को आप आपस में जोड़ोगे ना बेटा, जब चार्ज का आप सम करोगे, जो चार्ज पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लो और जो चार्ज नेगेटिव है उसे नेगेटिव लो। जब चार्जेस को आप ऐड करने वाले हो, चार्जेस का आप सम करने वाले हो, तो जो चार्ज जैसा है वो चार्ज आपको वैसा ही लेना है। यानी अगर मुझे इस सिस्टम का टोटल चार्ज बताना है, यानी मैं लिखता हूँ टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, अगर मैं सिस्टम का टोटल चार्ज लिखता हूँ तो सिस्टम का टोटल चार्ज होगा हमारे पास में ये Q1 प्लस Q2 माइनस के Q3 माइनस के Q4 प्लस Q5, ये हम लोग लिखेंगे बेटा वहाँ पर। ठीक है, यानी जो चार्ज पॉजिटिव था जोड़ते समय मैंने उसे पॉजिटिव लिया, जो चार्ज नेगेटिव था उसे नेगेटिव लिया। यही हमारा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज का कंसेप्ट है। यानी ये जो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज है ना बेटा हमारा, वो यही है कि जब भी आप चार्ज को जोड़ोगे तो जो चार्ज पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव लो, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव लो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, जैसे यह है +1 कूलम्ब, यह है +3 कूलम्ब, यह है +4 कूलम्ब, यह है -5 कूलम्ब। आपको बताना है कि टोटल चार्ज कितना होगा।
तो हम लिखेंगे भैया टोटल चार्ज जो हमारे पास में यहाँ होगा उसकी वैल्यू रहेगी प्लस वन प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फोर और प्लस फोर प्लस एट, तो ये हो गया प्लस एट और ये हो गया माइनस फाइव। सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू प्लस थ्री कूलम। ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद है कि बहुत मामूली सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी इसके अंदर। बड़े प्यार से आप लोग बात समझ गए होंगे। पहले आप इसके अंदर दो लाइन लिख लो बेटा, लिखो पहले हेडिंग लिख लो। हेडिंग है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब आप लिखेंगे इसके अंदर चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट सक्सेसफुली वेरीफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एलजेब्रिक सम, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलजेब्रिक सम। इट सक्सेसफुली वेरीफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एलजेब्रिक सम। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट सक्सेसफुली verify the concept of algebraic sum, the concept of algebraic sum। ठीक है, अब ये पूरी कहानी आप यहाँ लिख लेंगे बेटा। कंसेप्ट का नाम है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके अपना आराम से नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा आगे। और देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास में आएगा, यानी जो हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर फोर है, वो है चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। यह है हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर फोर। फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास में चार्ज इज इन वेरिएंट। आइए यार देखते हैं कि चार्ज इज इन वेरिएंट का मतलब क्या है। देखो मैं आपको चार्ज इज इन वेरिएंट का मतलब समझाऊं, पहले उससे पहले आप मेरी बात सुनिए बिल्कुल ध्यान के साथ। देखो होता क्या है, मान लीजिए कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अभी रेस्ट में है, रुका हुआ है, रेस्ट में रखा है। तो आप सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अगर मैं उसी इलेक्ट्रॉन को लाइट की स्पीड से मूव कराना स्टार्ट कर दूं, पहले तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, अब वही इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, तो लाइट की स्पीड से मूव करने पर भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का रेस्ट में रहने पर था, बिल्कुल उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन का तब रहेगा जब इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है। इसी का मतलब होता है चार्ज इज इनवेरिएंट। यानी चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब यह है बेटा, चार्ज की जो वैल्यू होगी वो कभी भी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। यानी आप किसी चार्ज को मूव कराओ या मूव ना कराओ, उसकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, मोशन कराने से उसका मास जरूर बढ़ जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब यह है कि चार्ज की वैल्यू के ऊपर, जो चार्ज की वैल्यू होती है ना, उसके ऊपर मोशन कराने का कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर चार्ज रेस्ट में रखा है तब भी उसका चार्ज उतना ही रहेगा, और वही चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो तब भी उसका चार्ज उतना ही रहेगा। यानी चार्ज के ऊपर मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मास की जो वैल्यू है, यानी चार्ज पार्टिकल का जो मास रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास रहा होगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ता जाएगा। तो आप चार्ज इज इनवेरिएंट में लिखेंगे, लिखिए अपनी कॉपी के अंदर, अकॉर्डिंग टू इनवेरियंस ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू इनवेरियंस ऑफ चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नॉट डिपेंडिंग ऑन स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नॉट डिपेंडिंग ऑन स्पीड, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नॉट डिपेंडिंग ऑन स्पीड।
यानी चार्ज की वैल्यू स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, अकॉर्डिंग टू इनवेरियंस ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू इनवेरियंस ऑफ चार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज नॉट डिपेंडिंग ऑन स्पीड बट द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल बट द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज बट द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल विद इंक्रीजिंग द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल विद इंक्रीजिंग द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल विद इंक्रीजिंग द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज की वैल्यू स्पीड के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल का मास होगा बेटा क्या होगा, मास वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, यानी चार्ज की वैल्यू स्पीड के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे पार्टिकल का मास भी बढ़ेगा। इस पॉइंट का मतलब है बेटा हमारा चार्ज इज इन वेरिएंट। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई इफेक्ट आपको नहीं होगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में है तब भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और अगर यही इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है यानी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तब भी इसका चार्ज हमारे पास में रहने वाला है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा तब भी इसका चार्ज इतना ही होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तब भी इसका चार्ज इतना ही होगा, लेकिन मूव करने पर मास बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात, ये हमारा इस पॉइंट का मतलब है बेटा। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।